अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़िम्मे में रखे। दोस्तों तलबा तलबात के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर सामने आ चुकी है, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना अथेंटिक एजुकेशनल वीडियोज़ सबसे पहले मिल सकें। कल यानी 8 मई से 10वीं क्लास के इम्तहान का आगाज हुआ है और जो अपने पहले से मुकम्मल करेगा 15 मई तक, और 16 मई से नई क्लास के इम्तहान शुरू होंगे और 23 मई तक जाएंगे। इस तरह ये दोनों हिस्से मुकम्मल हो जाएंगे। हैदराबाद के दस्तरस में 9 अजला के हैं और इन 9 अजला के अंदर हमने 263 इंतानी मराकज कायम किए हैं। इन इंतानी मराकज में 2 मराकज ऐसे भी हैं जो हमने जेल में मुकर्रर किए हैं ताकि हमारे जेल में रहने वाले कई हजरात को भी तालीम हासिल करने का मौका फराहम हो सके। और जेएस ब्रिगेड के खसूसी कोऑर्डिनेशन के साथ हमने यहाँ से हैदराबाद बोर्ड से एक साथ डीजी बाकायदा मुकर्रर किया अपने ऑफिसर की, ताकि वो अपनी निगरानी में जाकर इम्तान का इलाहा को मुमकिन कर सकें, ताकि उन साहिबान को भी इम्तान में बैठने का मौका फराहम हो सके और वो अपनी सलाहियतों का और अपनी लियाकत का और अपनी जानत का इजहार कर सके। 263 सेक्टर्स में से हमने 25 सेक्टर्स को हसास बना दिया है कि ऐसे सेक्टर्स जहाँ हमें ज़्यादा हिफाजती इकदाम करनी होंगी, फिर जहाँ हमारी तवज्जो ज़्यादा रहनी चाहिए, उन 25 सेक्टर्स इन 9 जिला पर मुश्तमिल है। इससे मुतालिक हमने खुद मुलाकात और एक मीटिंग किए जनाब पी मोहम्मद शाह साहब DIG हैदराबाद से, और उन्होंने खुद ताउन की अफगानी कराई, वजह से अफगानी ही नहीं। अजीज सरवर तालिबात इन इस इम्तहान के लिए तमाम स्टेशनरी फराहम की जा चुकी है, तमाम सेंटर्स को पहुँचाई जा चुकी है, ये काम मुकम्मल हो गया। तमाम स्लिप जारी हो चुकी हैं हैदराबाद बोर्ड की तरफ से, नई क्लास के लिए तमाम स्लिप जारी हो चुकी है। तमाम सरवर तालिबात अपने मुतालिका स्कूल से वो अपनी स्लिप हासिल कर सकते हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि नकल से दूर रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी सलाहियतों का इजहार किस तरह करें कि जो आपको आपके हदफ तक पहुँचा सकें। हमारी भी कोशिश ये है और अपने तमाम असातिज़े से भी मैंने ये दरख्वास्त की और अभी इस वक्त भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इम्तहान को नकल से दूर और नकल से पार करने की कोशिश करें।